यार मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि ये गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस को लेके इतना मतलब एक पैनिक क्यों क्रिएट कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कोरोना वायरस इतना कोई ख़तरनाक है, सिर्फ मेरे ख्याल से दुनिया की अभी तक शायद आ रहा नॉट 2% पॉपुलेशन को अभी तक अफेक्ट हुआ है। हमें तो होना भी नहीं है, हो भी जाए तो सिर्फ 2% का वो डेथ रेट है, और वो भी हमारे लिए नहीं, वो भी बड़ों के लिए। तो मतलब आई डोंट थिंक दैट शुड बी दैट बिग ऑफ एन इशू, है ना। कोरोना का फैलाव जारी, तफ्तान से सखर पहुंचने वाले मजीद 8 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव। मुल्क भर में मरीजों की मजमू तादाद 278 तक पहुंच गई। सिंध में 208, पंजाब में 28, खैबर पख्तूनख्वा में 19, बलोचिस्तान में 16 अफराद मुतासर, गिलगित बल्तिस्तान में 13, इस्लामाबाद में 4 केसेस। शुक्र है सिर्फ ये ख्वाब था, मेरी तो फट गई थी। कोरोना का फैलाव जारी, तफ्तान से सखर पहुंचने वाले मजीद 8 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव। 13 और इस्लामाबाद में 4 केसेस। तो यार प्लीज़ सब लोग अपना ख्याल ज़रूर रखो, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 6th मोस्ट कोरोना वायरस अफेक्टेड कंट्री बन चुका हुआ है। तो प्लीज़ अगर आप लोग नहीं ख्याल करोगे तो कौन ख्याल करेगा यार। तो प्लीज़ घर पे रहो, स्टे आइसोलेटेड। यू आर नॉट कूल अगर तुम लोग बाहर जा रहे हो अभी भी, अपने स्नैपचैट पर स्टोरीज डाल रहे हो कि #आइसोलेशन। तो प्लीज़ ये चीज़ें ना मारो। यू आर ओनली कूल, तुम लोग सिर्फ तब कूल बनोगे जब तुम लोग अपनी स्नैपचैट स्टोरी पे एक गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की और साथ रोड की लगाओगे स्नैपचैट, तब कूल बन सकते हो। इस तरह आइसोलेशन में बाहर जाके कूल नहीं बन सकते हो। तो प्लीज़ बात मानो भाई की, ठीक है ना, कोरोना वायरस बिल्कुल फैल चुका है। प्लीज़ स्टे सेफ। तो यार आई होप ये जो मैंने छोटी सी चुस्त मारी है आप लोगों को थोड़ी अच्छी लगी हो, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन कर लिया। लेकिन मैसेज ये था इस वीडियो का कि भाई स्टे एट होम, स्टे आइसोलेटेड, कोरोना से बच के रहो, ठीक है ना, क्योंकि कोरोना आ जाएगा और छा जाएगा। तो कोरोना से बच के रहो सब लोग। और मुझे पता नहीं है कि मैंने करना क्या है सच। मैंने आज सोचा हुआ था कि यार हम लोग जाके कोई, क्योंकि फूड रिव्यू चैनल है यार, मैन कम ऑन मैन। तो मैंने सोचा कि यार आज हम लोग नूडल चूडल बनाएंगे, स्पेगेटी बनाएंगे घर पे, क्योंकि बाहर तो मैं जाने नहीं वाला बिकॉज कोरोना। तो मैंने सोचा था कि यार आज घर पे कुछ बनाएंगे, लेकिन चीज़ें ही नहीं मिल रही यार ग्रोसरी स्टोर पे। कुछ मैं तो जा नहीं रहा, बट होम डिलीवरी करवाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं मिल रही। तो अब बस मुझे पता नहीं है क्या करना है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। तो यार आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो मैंने नाम रखा हुआ चैनल का बर्गर बॉयज़, ये रखा हुआ क्यों है। तो भाई है, वैसे मानना पड़ेगा तुम लोगों को, नाम बड़ा सेक्सी है, सही है ना। तो इसके एक पीछे एक रीज़न भी है बर्गर बॉयज़ का, क्योंकि मैंने और आहद ने सोचा था कि हम लोग इस चैनल पे फूड रिव्यूज़ करेंगे। तो अब हमें नाम नहीं समझ आ रही थी, आहद चूसे मार रहा था कि भाई हम ये फूड ब्लॉगर रख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या है इसकी तुम। तो मैंने कहा नहीं देखो चूसे ना मारो, मुझे नाम सोचने दो। तो फिर मैंने ये सोचा कि हम लोग नाम रखेंगे बर्गर बॉयज़। अब ये चुस्त नहीं है, बात सुनो पहले मेरी। बर्गर बॉयज़ हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग हैं इस्लामाबादी और हम लोग फूड रिव्यू करेंगे, और फूड बर्गर भी फूड होता है, सही है ना। तो ये इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि आप चैनल का नाम बर्गर बॉयज रखो। तो इसीलिए हमने चैनल का नाम रख लिया बर्गर बॉयज। पूरी जो हमारा स्कूल को मैंने बताया, पूरा स्कूल यूं करके वो फ्लैट पुराना जमीन पर लेट गया। कहते हैं जहा पुना तुसी ग्रेट हो। मैं कहा सर मतलब मानोगे ना फिर आप। अच्छा, और सेकेंडली मुझे कुछ लास्ट वीडियोज पे, पहले तो थैंक यू वेरी मच के लास्ट वीडियो पे बहुत फिट सपोर्ट मिली है तुम लोगों की, मतलब तो थैंक यू यार, इस तरह ही सपोर्ट करते रहो भाई को, ठीक है ना, भाई को अमीर करवाओ। क्योंकि यूट्यूब पे ऑफ कोर्स यूट्यूब मेरा पैशन है, और मैं यूट्यूब पे पैसों के लिए बिल्कुल नहीं आया, आया हूँ बिल्कुल पैसों के लिए आया हूँ। मैं इंशाल्लाह अमीर बनूंगा और आप लोग मुझे अमीर बनाओगे, ठीक है ना। अच्छा एनी वेज, कल मैं कॉमेंट्स पढ़ रहा था कुछ वीडियो पे, तो कुछ लोग आके मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि यार ये हेडसेट कितने का लिया, ये क्या है, वो क्या है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि बेस्ट जो चीज़ है ना, अगर आप लोगों ने मुझसे कोई भी बात करनी है, कोई क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ भी करवाना है, ठीक है ना, शाउट आउट मंगवाना है, जो कि मैं नहीं दूंगा शाउट आउट, लेकिन अगर कुछ भी आप लोगों ने बात करनी है तो इंस्टाग्राम मेरा यहाँ पे है, जाओ फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा लिंक, तो जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करो, और वहाँ पे जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो मैं
यूं फटाफट आंसर करूंगा, मतलब आपकी सोच है, आपका मैसेज सेंड नहीं होगा, रिप्लाई पहले आ जाएगा, ये जरार भाई की गारंटी है। तो यार अगर आप लोग मेरी तरह ग्लासेस पहनते हैं तो आप लोग कुछ इश्यूज फेस करते होंगे, जैसे कि अगर आप लोगों की एक ग्लासेस टूट गई, इस तरह अगर ये मैंने पहनी है, अगर ये टूट गई तो बड़ा बैड सीन है यार, इसके बाद मुझे मिलनी ही नहीं है और मैं अंधा, मैं लिटरली मैं यूं कर लूँ ना, मैं अपने आप को नहीं देख सकता हूँ व्यू पॉइंटर में, मुझे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो अब सीन ये है कि ऐनक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और आप लोगों को पता है कि भाई कोरोना वायरस आए थे भाई, ठीक है ना, आगे पार्टी कर रहे हैं इस्लामाबाद में वो, तो मैं सोचा यार एक बैकअप ग्लासेस का पेयर तो होना चाहिए। तो यार एक ऑनलाइन स्टोर है anak.pk और उनसे मैंने ये एक ग्लासेस का पेयर मंगवाया, तो आओ इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या सीन है इसके अंदर। यो अच्छा तो यार मैं अपने कमरे में अब वापस आ गया, क्योंकि एक तो बाहर लाइटिंग इतनी फारिग थी और दूसरा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक हाथ कैमरे में रखो, एक हाथ से कैमरा पकड़ूँ और दूसरे हाथ से अनबॉक्सिंग किस तरह करूँ, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी टाइट किस्म की अनबॉक्सिंग सॉरी बॉक्स पैक किया हुआ है। तो अब इसको हम लोग सेट करते हैं कैमरा को और लेट्स गेट इनटू द अनबॉक्सिंग। अच्छा तो इन लोगों ने हमें एक केयर पैकेज दी थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो anak.pk की ब्रांडिंग यहाँ पर हुई हुई है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पे anak.pk और फेसबुक का भी लिखा हुआ है anak.pk। तो अब सीन ये है कि हम लोग इसको अब करते हैं जी अनबॉक्स। तो हाँ मैं अपनी प्रोफेशनल नाइफ लेके आ गया हूँ, अब इसको अनबॉक्स करते हैं हम लोग। तो हाँ अभी प्रोफेशनल लाइफ से हम लोगों ने अनबॉक्स कर लिया है, अब ये कह रहे हैं स्टाइल इनसाइड, तो हम इसको खोलते हैं। वाओ मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ भाई, यहाँ पे बबल रैप मिल गया हमें। एनीवेज बबल रैप को हम लोग अब संभाल के रखेंगे, क्योंकि रात को अब हम लोग पार्टी करेंगे इस बबल रैप के साथ। एनीवेज लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। केयर पैकेज में हमारे पास कुछ ये सामान आया हुआ है जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग व्लॉगर इतने तबाही हैं। तो ये अच्छा हाँ अब नज़र आ रहा है आप लोगों को, हाँ ईजी लिया हुआ ना भाई, व्लॉगिंग आती है हम लोगों को भी। तो ये केयर पैकेज के अंदर चीज़ें आई हुई हैं, चेक करते हैं भाई क्या क्या है। लो जी तो सबसे पहले हमारे पास एक ये फाइबर माइक्रो फाइबर क्लॉथ आया है anak.pk की ब्रांडिंग के साथ। उसके अलावा वाओ ओ माई गॉड वाओ, तो फ्लैट कर गया मुझे। किंग क्रिस्टल ग्लास क्लीनर एंड शाइनर, यार ये मैं मानता हूँ इन लोगों का। मैं देख रहा था एक वेबसाइट पे इंस्टाग्राम पे कुछ एड्स आ रही होती है ना, तो उस पर लिखा हुआ था कि ये चीज़ ये जो क्लीनर है और ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ वो लोग दे रहे थे फॉर आई डोंट नो लाइक 700 rupees। तो ये इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री ग्लासेस के साथ दी है, तो ये बहुत ही कोई अच्छी चीज़ है, मतलब नहीं लूट रहे ये लोग। उसके अलावा एक की चेन है जो कि कभी यूज़ तो नहीं होती, लेकिन जब चाहिए होती की चेन तो मिलती नहीं है, तो इसलिए इस बार मैं इसको संभाल के रखूँगा। एनीवेज ये आ गई भाई हमारी ग्लासेस, सिलुएट का ब्रांड था तो सिलुएट की ग्लासेस मिली हैं, तो स्कैम नहीं हुए हम लोग, नाइस। उसके अलावा एक और चीज़ है विच आई अज्यूम इज़ गोइंग टू बी द रिसीट, यस इनवॉइस है ये। तो मैं एक मिनट देख रहा हूँ, मेरा कोई नंबर शंबर तो नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। तो इनवॉइस में ये बेसिकली इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं कुछ कि भाई आपने मंगवाया क्या है, तो मैं आप लोगों को अपना दिखा देता हूँ बिल। मैंने बेसिक ग्लासेस मंगवाई हैं जो कि कैमरा फारेक्स है तो नज़र नहीं आ रहा, बट 3500 rupees की ये है, ठीक है ना, जो मुझे मिला है। बेसिक लेंस था 3000 का फ्रेम था और 600 का क्या नाम है ग्लास था या लेंस था, तो ये मुझे मिल गया भाई 3500 का। उस 3600 बन रहा था, मैंने कहा देखो आई एम सेक्सी बॉय, गिव 100 rupees डिस्काउंट, उन्होंने कहा बेस्ट सर, तो उन्होंने ये दे दिया। तो इसको हम लोग अब पैक कर देते हैं, लेकिन लाइक प्रेजेंटेशन के 10 out of 10 मार्क्स हैं यार, ये तो मानना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है यार, अगर आप किसी लोकल शॉप पे जाओ ना, तो ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि अपनी पर्सनली गारंटी कि आप लोगों को इससे सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी यार, ये सस्ती दे रहे हैं और ऊपर से वो और भी डिस्काउंट कर देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है उनकी। एनीवेज अब ग्लासेस जो हैं उनको अनबॉक्स करते हैं हम लोग। तो ये कुछ इस तरह खुल रही हैं, ओह वाओ मज़े का है भाई ये तो काफ़ी। ओह वाओ एक और माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये सिलुएट कंपनी का अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, एक anak.pk ने दे दिया, एक सिलुएट ने दे दिया, और फिर ये ग्लासेस हैं जो कि एक बैग के अंदर आई हैं, ये रही ग्लासेस हमारी, ठीक है। अब इसको हम लोग खोलते हैं मज़ीद।
वाओ, मतलब आप लोग टेक्नोलॉजी चेक करें, अगर आपने ग्लासेस खोलनी है यहाँ से भी खुल जाएंगी, अगर मूड नहीं है वहाँ से खोलने का तो यहाँ से खोल दो, मतलब वाओ, इम्प्रेस हो गया यार मैं तो, डैम, मतलब चेक करो कितनी साफ है, मतलब ओए होए 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 होए, साफ तरीन ग्लासेस, चेक करें आप लोगों को नज़र आ रही है फिर ये सफाई इसकी, मतलब यार ओए होए होए होए, मैं तो इम्प्रेस हो गया यार से, इतनी साफ ग्लासेस, वाओ। एनी वेज ये हैं भाई ग्लासेस हमारी, मैं रिमलेस फ्रेम लिया, ठीक है तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। अच्छा तो यार ये जो मैं अभी करंटली ग्लासेस यूज़ कर रहा हूँ वो ये थी कुछ इस तरह, ठीक है तो इनको अब हम लोग साइड पे करते हैं, और अभी जो नई वाली आई हैं फुल सेक्सी सिस्टम है इनका, ये वाली पहनते हैं। ओपेस ओपेस वाओ माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ तो एनीवेज गाइस, अगर आप लोगों को अभी तक ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और ब्लॉगिंग करूं, इतने सेक्सी ब्लॉग्स बनाता रहूं, तो ज़रा कमेंट्स में बताओ और लाइक करो यार, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। अब सीन ये है कि तकरीबन 6:53 PM हो रहे हैं, तकरीबन तो नहीं एग्जैक्ट टाइम बता दिए, तकरीबन क्या है कि पागल हूँ मैं, तो अब मुझे पता नहीं है कि मैंने करना क्या, क्योंकि जो मैंने करना था स्पेगेटी बनानी थी मैंने, तो वो स्पेगेटी आए है ही नहीं यार, चीज़ें ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि करना क्या है, तो अगर तो कुछ किया मैंने आज रात को तो लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग, लेकिन अगर ना हुआ तो आई विल कैच यू गाइस टुमारो।